मेंटल मैथ क्लास 8। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए अलग से चैनल है जिसका नाम है मैथ्स विद हरी सर, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इस सीरीज में हम कर रहे हैं चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। आइए करना शुरू करते हैं। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, प्रैक्टिस अभी से करें, दूसरों को भी जरूर बताएं, ठीक है ना। बताए का मतलब दूसरों को सिखाएं। अगर आप दूसरों को सिखाते हैं तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है, तो प्रैक्टिस को आप बढ़ाएं और अच्छी रैंक लेके आइए। आइए करना शुरू करते हैं। तो बच्चों ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26, सबसे पहले ये रहा, ठीक है। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ए बी सी डी जे काइट, ए बी सी डी जे काइट, काइट है ये, ठीक है। अगर आपको देखो इस तरीके से काइट है, अगर यहाँ पर हम इस तरीके से कर दें तो ये काइट बन गई ना, तो ये काइट है। ये हमने कुछ इस तरीके से इसके फिगर बनाई हुई, इस तरीके से दी हुई भी है विद ए डायगोनल ए सी एंड बी डी। अब आप इसमें देख रहे हैं कि ए सी तो एक लॉन्गर डायगोनल है और ये बी डी जो है स्मॉलर डायगोनल है, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले बच्चों काइट की प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। जो लॉन्गर डायगोनल होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट स्मॉलर डायगोनल, ठीक है। बस इतना याद रखना है जो लॉन्गर डायगोनल होता है वो स्मॉलर डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब इसका क्या मतलब होगा कि बी ओ इक्वल हो जाएगा डी ओ के, ठीक है। बी ओ इक्वल हो जाएगा डी ओ के, प्रॉपर्टी आपको लर्न रखनी है। तो आइए करना शुरू करते हैं। तो बी ओ की लेंथ है बच्चों यहाँ पर लिख लेते हैं 3x-15 और इक्वल 2x-9, इस तरीके से, ठीक है। अब x को ले आना आपको लेफ्ट साइड में, इधर ये प्लस है, इधर आकर ये माइनस हो गया, और -9 इधर, ये प्लस -15 है, इधर लेके आएंगे इसको राइट साइड में तो ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होते हैं और 15 में से 9 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, यही आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले बच्चों x इंटरनल एंगल है, ये भी इंटरनल एंगल है, ये इंटरनल एंगल है, तो हम यहाँ पर ये एंगल 1 और एंगल 2 भी इंटरनल एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। और ये क्या है, देखो वन साइड 2, 3, 4, 5 पेंटागन है। पेंटागन का या तो आपको मालूम होना चाहिए कि सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ पेंटागन कितना होता है, या फिर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आइए पहले हम एंगल 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एंगल 1+80, ये दोनों बच्चों होते हैं 180 डिग्री के, ठीक है। ये लाइन कितने डिग्री पे होती है, 180 पे होती है, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 होगा। तो एंगल 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 180 डिग्री, 80 प्लस है, इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस किया तो कितना आ गया बच्चों, 100 डिग्री आ गया, ठीक है। एंगल 1 की वैल्यू आ गई। आइए इसी प्रकार यहाँ पर ये जो लाइन होगी 180 की होगी, तो इसमें एंगल 2+ यहाँ पर 60 डिग्री, ये भी क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। तो एंगल 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 180 डिग्री -60 डिग्री, ठीक है, ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 120 डिग्री, ठीक है। ये आ गया कितना, 100 डिग्री, और ये आ गया 120 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से। अब बच्चों देखो यहाँ पर पेंटागन का अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, इस फॉर्मूले से करना है, एन माइनस टू और इंटू 180 डिग्री, ठीक है। एन का मतलब साइड, साइड कितनी है पेंटागन की, 5, 5 में से 2 माइनस करेंगे और कितना कर देंगे, 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और 3 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 540 डिग्री, ठीक है, ये आता है सम। तो हम क्या करेंगे, अब इन सबको प्लस करके 540 के इक्वल रख देते हैं। आइए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये एंगल 1 लिख लेता हूँ, फिर यहाँ पर x लिख लेते हैं, इधर 70 डिग्री, और ये x -10 डिग्री, और फिर यहाँ पर ये एंगल 2 है, इसको लिख लेते हैं, और इसका सबका सम क्या होगा, 540 डिग्री। आपको निकालनी है x की वैल्यू, ठीक है। आइए 1 कितने डिग्री का आया है, 1 आया 100 डिग्री का, x का तो फाइंड आउट करना है, इसे यू कैम लिखेंगे 70 डिग्री, और ये भी x -10 डिग्री, यू कैम लिखेंगे
और प्लस एंगल टू जो है वो है आपका 120 डिग्री का और इक्वल टू 540 डिग्री। ठीक है, आइए सबको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर 120 और 220 हो गया, 220 में 70 अगर हम ऐड कर दे तो कितना आता है बच्चों, 290 आ जाएगा। और इसमें से 10 माइनस भी करना है ये, ठीक है, माइनस भी है। और 1x और 1x हो गया 2x इस तरीके से, और इक्वल टू 540 डिग्री। ठीक है, अब बच्चों 290 इधर ये, या तो इनको माइनस प्लस कर लो, तो माइनस प्लस माइनस कितना आ जाए, 280 डिग्री हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब 280 इधर प्लस में इधर आकर ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत ही ईजी है, प्रैक्टिस करनी है बस आपको। माइनस किया तो जीरो में से जीरो गई जीरो, फोर में से एट माइनस में हो गए बोरो लेंगे, 14 में से एट माइनस करेंगे सिक्स, यहाँ पे रह गया फोर, फोर में से टू माइनस किया टू आ गया। ठीक है, अब ये टू इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर ये डिवाइड में आ जाएगा, तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, जीरो, तो 130 डिग्री ये एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों। ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये एक्स की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। आइए करेंगे क्वेश्चन नंबर 28, ये रहा आपके सामने, ये रहा 28। ठीक है, तो 28 कर लेते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है, ए बी सी डी इज ए पैलोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे पैलोग्राम, पैलोग्राम के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये लिख देते हैं, यह लिखने की जरूरत नहीं, आप और डाल दीजिए। और यहाँ पर लिखो, देखो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो अगर हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर ले, ठीक है, देखो यहाँ पर इन ट्रैंगल किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इन ट्रैंगल ए ओ बी, इन ट्रैंगल ए ओ बी में एंगल ए ओ डी, ए ओ डी इज एन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल जो इक्वल होता है एंगल, यानी एंगल ए ओ डी वो इक्वल होगा अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल, यानी एंगल ए और एंगल बी के सम के इक्वल होगा। अगर आप चाहे तो उसका पूरा नाम भी लिख सकते हैं, ओ ए बी। ठीक है, आइए लिख ले, तो पूरा ही नाम लिख ले, तो ओ ए बी, और इसका नाम होगा ओ बी ए, यानी ये ओ और बी ए इस तरीके से। तो ए ओ डी, ए ओ डी आपको निकालना है, ए ओ डी, ठीक है, इक्वल टू ओ ए बी है बच्चों 35 डिग्री और प्लस ये है 40 डिग्री। ठीक है, और दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया, 75 डिग्री आ गया। अब बच्चों देखो, एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए ओ डी कितने, 75 का है, यहाँ पर लिख दे 75 डिग्री, और बी ओ सी कितने का, x डिग्री का, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 75 डिग्री आ गई। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, इजी तरीके से करना है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों आपको। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन करना। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, ये रहा आपके सामने, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी काइट वाला क्वेश्चन है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, एम एन ओ पी, ठीक है ना, एम एन ओ पी जे काइट, ये काइट है, और एन पी ओ, एन पी ओ ये दिया हुआ 40 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एन ओ पी, एन ओ पी यानी ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब बच्चों काइट के अंदर देखो, ये साइड इक्वल होगी इस साइड के, और ये साइड इक्वल होती है इस साइड के। ठीक है ना, काइट के अंदर तो ये जो स्मॉलर साइड दी हुई ना, ये दोनों इक्वल होंगी और ये दोनों इक्वल होगी। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ए, यहाँ पर ए नहीं है, ये ओ पी एन, इन ट्रायंगल ओ पी एन, ठीक है, ओ पी एन में, यानी एंग इस में ओ पी इक्वल होगा ओ एन के। ठीक है, ये दोनों साइड क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी, और ये इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी एंगल ओ पी एन, एंगल ओ पी एन, ठीक है, इक्वल होगा ओ एन पी, ओ एन पी यहाँ पर लिख देते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड।
ठीक है, ये याद रखना। ये हम क्यों कर रहे हैं, देखो बच्चों ये फाइंड आउट करना है। अगर हम ट्रायंगल मान के ये एंगल भी हमें मालूम हो जाए तो सम ऑफ थ्री एंगल से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल आ गए हैं। ओ पी एन कितने डिग्री का, 40 डिग्री का। ये जो गिवन एंगल ओ पी एन, ये कितने डिग्री का, 40 डिग्री का है, सॉरी 49 डिग्री का है। ये 49 है, ये रहा 49, ठीक है ना, 49 डिग्री का है। देखो मैं आपको बताता हूँ, एन पी ओ या ओ पी एन, ठीक है ना, दोनों का मतलब एक ही होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एंगल एन पी ओ इक्वल होगा एंगल, ठीक है, ओ पी एन, यानी एन पी ओ लिखो या ओ पी एन लिखो, ये जो बीच में नहीं, बीच में रहना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये 49 डिग्री का है, तो इसका मतलब ओ एन पी, ठीक है, ओ एन पी भी कितने डिग्री का होगा, ओ एन पी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये भी कितने डिग्री का होगा, 49 डिग्री का, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है और अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ये तो आपको मालूम ही है, ठीक है। आइए अब हम लेते हैं, ये 49 का आ गया। अब देखो ये ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल, ठीक है, पी ओ एन, इन ट्रायंगल पी ओ एन, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, सभी जानते हैं। तो आइए लिख लेते हैं, एंगल ओ पी एन, एंगल ओ पी एन प्लस एंगल ओ एन पी और प्लस एंगल ओ, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये आपका ओ पी एन निकल चुका 49 डिग्री का है, और ये भी कितने का, 49 डिग्री का है, और एंगल ओ हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओ की जगह आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, एन ओ पी लिख सकते हैं, ठीक है, एन ओ पी लिख सकते हैं, या ओ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 49 और 49 कितना होता है बच्चों, 98 होता है, ठीक है, एंगल ओ यानी 180 डिग्री, तो 98 और 98 कितना होता है, ओ सॉरी 49 और 49 कितना होता है, 98 इधर प्लस में, इधर आकर ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना, किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब माइनस कर दो इसको, यानी माइनस करने पे 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा बच्चों ये, ठीक है, यहाँ पर 17 में से 9 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, तो 82 डिग्री का बच्चों ये आपका आ गया, ठीक है। ये इसका चाहे तो आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको क्या कहा, ये एंगल ओ, क्योंकि यहाँ पर एक ही एंगल बन रहा है, आप चाहे तो यानी एन ओ पी भी लिख सकते हैं इसकी, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एंगल एन ओ पी, एन ओ पी या इक्वल एंगल ओ, दोनों का मतलब एक ही होता है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, क्या कहता है, देखो यहाँ पर इन पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है एस ओ ए पी, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, एस एम एंड ओ एम आर इंटरनल बाइसेक्टर, यहाँ पर ये एस एम और ओ एम ये इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर हैं रिस्पेक्टिवली, दिया हुआ भी है साथ में, ठीक है, और फाइंड द मेजर ऑफ एस एम ओ, एस एम ओ की मेजर फाइंड आउट करनी है, तो बिल्कुल यहाँ पर लिख लेते हैं सिंस, सिंस का मतलब क्योंकि, ठीक है ना, सिंस एस ओ ए पी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, ये क्या है, पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो इसके ये जो एंगल एस जमा एंगल ओ, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, एडजेसेंट एंगल हम इनको बोलेंगे, ठीक है, एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा क्या होता है, 180 होता है पूरे का। अच्छा, एंगल एस का बाइसेक्टर गिवन है, एंगल एस का बाइसेक्टर गिवन है, यानी एंगल एस का बाइसेक्टर प्लस एंगल ओ का भी बाइसेक्टर गिवन है, ठीक है, यहाँ पर मैंने, और एंगल 180 का भी बाइसेक्टर इक्वल होगा, भाई इसको हाफ किया, इसको भी हाफ किया, तो ये भी तो हाफ करना पड़ेगा ना, तो एंगल एस का हाफ क्या बनता है, यहाँ पर ये देखो, ये बनता है बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है, ये देखो पी एस ओ, पी एस ओ इसके बाइसेक्टर हैं, बाइसेक्टर का मतलब अब ये एंगल लेना है, एम एस ओ लिख लेना है यहाँ पर, एंगल एम एस ओ और जमा ओ को लिखना है आपको एम ओ एस, ठीक है, एंगल एम ओ एस इस तरीके से, और इक्वल टू ये 90 डिग्री आ गया भाई, 180 को हाफ से मल्टीप्लाई किया तो 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एस एम ओ, एस एम ओ, ठीक है, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा भाई, इसमें थ्री एंगल्स होते हैं, थ्री एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एंगल एम एस ओ प्लस एंगल एम ओ एस और प्लस एंगल एस एम ओ, ठीक है ना, एस एम
ओ इक्वल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, ये रही, तो इसकी जगह 90 डिग्री लिखा जा सकता है। तो एस एम ओ इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल एस एम ओ, यहाँ पर एंगल का साइन लगा देते हैं। तो 180 डिग्री इधर ये प्लस में, इधर आकर ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल एस एम ओ 90 डिग्री आ गया बच्चों, ये आपका आंसर निकल गया। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया बच्चों। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ठीक है। आप सभी बच्चों के कमेंट्स पर ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स को बताएं, और बच्चों वीडियो स्किप ना करें, अच्छी रैंक लेकर आए। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।